सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अपने घर पर सुरक्षित होंगे। आज हम सीखते हैं व्यंजन फ और उससे शुरू होने वाले कुछ शब्द एक कहानी के रूप में। एक बालक था, उसकी उम्र 10 वर्ष थी। उसे तरह तरह के फूलों को रखना बहुत पसंद था। उसके पास एक लाल रंग का फीता भी था। वह बड़े होकर फौजी बनना चाहता था। वह फुटबॉल खेलना बहुत पसंद करता था। वह खेतों में फसल और फावड़े के साथ अपने पिताजी की मदद किया करता था। फावड़ा और फसल। वह रास्ते में फैक्ट्री से होकर अपने घर जाता था। उसके पिताजी फैक्ट्री में काम करते थे। जब एक दिन वह बाजार गया तो उसके रास्ते में फाटक भी था। उसने देखा एक सांप फन फैलाकर बैठा हुआ था। वह उसे देखकर डर गया। आगे चलने पर उसने देखा कि कुछ बच्चे फवारे के साथ खेल रहे थे और आनंद ले रहे थे। आगे चलने पर वह बाजार से फल लेकर आया और सबने स्वादिष्ट फल खाए। वापस देर होने पर उसे फटकार लगी। हमने फ से शुरू होने वाले कुछ शब्द सीखे, फल, फूल, फसल और फन। सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अपने घर पर सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। मैं हूं आपकी अध्यापिका निधि और मैं आज आपको एक नया व्यंजन सिखाने जा रही हूं, जो है फ। फ फूल, फ फूल, फ फूल, फ फूल। आइए जानते हैं व्यंजन फ से और कौन कौन से शब्द होते हैं और कौन से उनको बुलाया जा सकता है। फ फल, फ फल, आप सभी को फल बहुत पसंद है, सो फ फल। फूल, फ फूल, फ फव्वारा, फ फव्वारा। फ फूलदान, जिसमें हम बहुत सुंदर से फूल रखते हैं, फ फूलदान। फ फावड़ा, फ फावड़ा। आइए हम दोबारा पुनरावृत्ति करते हैं कि व्य से कौन कौन से शब्द शुरू होते हैं। फ फल, फ फल, फ फूलदान, फ फूलदान, फ फव्वारा, फ फव्वारा, फ फूल, फ फूल, फ फ फावड़ा, फ फावड़ा। पुनः फ से शुरू होने वाले कुछ शब्दों की पुनरावृत्ति करते हैं। फ फूल, फ फूल, फ फव्वारा, फ फव्वारा, फ फूलदान। आइए हम सीखते हैं कि व्यंजन फ को किस प्रकार लिखा जाता है। आई एम सीखते हैं व्यंजन फ को किस प्रकार लिखा जाता है। सो टेक आउट योर हिंदी फोल्डर इन विच यू हैव 2 पिंक लाइन एंड 3 ब्लू लाइन्स। पुट पेंसिल ऑन द फर्स्ट ब्लू लाइन एंड देन मेक अ पापा स्टैंड फ्रॉम फर्स्ट टू सेकेंड ब्लू लाइन एंड देन स्टॉप, मेक अ कर्व, गो अप एंड देन स्टॉप ऑन द सेकेंड ब्लू लाइन। अगेन पुट पेंसिल ऑन द फर्स्ट ब्लू लाइन एंड मेक अ पापा स्टैंड फ्रॉम फर्स्ट टू थर्ड ब्लू लाइन एंड देन स्टॉप। आफ्टर दिस पुट पेंसिल ऑन द सेकेंड ब्लू लाइन एंड मेक अ कर्व एंड कम डाउन एंड टच द थर्ड ब्लू लाइन एंड पुट अ बेबी स्लीप ओवर इट। इट इज अ करेक्ट फॉर्मेशन ऑफ व्यंजन फ। वंस अगेन वी विल राइट, पापा स्टैंड कम्स डाउन एंड टच द सेकेंड ब्लू लाइन ऑन दिस, मेक अ पापा स्टैंड फ्रॉम फर्स्ट टू थर्ड ब्लू लाइन एंड देन स्टॉप, put pencil on the second blue line, go up, comes down and touch the third blue line and put a
baby sleep over it. So it is a correct formation. Once again, we will write the correct. Papa stand, go up and then stop. Papa stand from first to third and stop. Once again, go up and come down and touch the third blue line and put a baby sleep over it. It is the correct formation. If you will write like this, it is a incorrect formation. It is considered as wrong formation. It is wrong formation. If you will write like this, it is also a wrong formation. What is the correct formation? Once again, we will write the correct. Papa stand, go up and then stop. Papa stand from first to third blue line. Put a pencil on second blue line and then come down and touch the third blue line and make a baby sleep over it. So is it a correct formation? So you have to follow the correct formation in your Hindi folder beta. Thank you and God bless you all.